हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 20 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में अराउंड 0.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक का देखें तो नीचे का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है, 76 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां पर स्टॉक में 2 बार सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टॉक में एक ऊपर की रुकावट रेंज है 86 रुपीज। 86 रुपीज की इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 80 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 100 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में फिर इस ब्रेकआउट 86 रुपीज के बाद देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक 86 रुपीज का ब्रेकआउट देता है, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।